गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रडार एंड रडार रेंज इक्वेशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टुडे सेशन यू विल बी एबल टू क्लासिफाई रडार, डिराइव रडार रेंज इक्वेशन एंड सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रडार रेंज इक्वेशन। So first we discuss about classification of radar. There are two types of radar system. First one is pulsed radar, second one is continuous wave radar. So the pulsed radar transmits short rectangular pulses and the continuous wave radar transmits continuous sinusoidal electromagnetic waves. मतलब पल्स रडार रेक्टेंगुलर पल्सेस ट्रांसमिट करता है और कंटिन्यूस वेव रडार कंटिन्यूस साइन सिग्नल ट्रांसमिट करता है। देन पल्स रडार अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज बेसिक पल्स रडार एंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार। सो फर्स्ट बेसिक पल्स रडार, द रडार which operates with pulse signal for detecting stationary target is called the basic pulse radar, or simply we can say pulse radar. It uses single antenna for both transmitting and receiving signals with the help of duplexer. Means किसे बोला जाता है basic pulse radar? जो radar पल्स सिग्नल सेंड करता है फॉर डिटेक्टिंग स्टेशनरी टारगेट, मीन्स जो टारगेट मूव नहीं करते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए जो रडार यूज़ होता है उसे बोला जाता है पल्स रडार। यहाँ पर सिंगल एंटीना यूज़ होता है, यूजिंग ए डुप्लेक्सर। ए सिंगल एंटीना इज़ यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। हाँ, देन एंटीना विल ट्रांसमिट ए पल्स सिग्नल at every clock pulse. The duration between the two clock pulses should be chosen in such a way that the echo signal corresponding to the present clock pulse should be received before the next clock pulse. Means duration हम लोग ऐसे रखेंगे कि एक clock pulse में transmit हुआ और next clock pulse आने से पहले सिग्नल जो इको सिग्नल होगा वो रिसीव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार। द रडार व्हिच ऑपरेट्स विथ पल्स सिग्नल फॉर डिटेक्टिंग नॉन स्टेशनरी टारगेट्स इज कॉल्ड मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार, और सिंपली वी कैन से MTI रडार। It uses single antenna for both transmission and reception of signals with the help of duplexer. MTI radar uses the principle of Doppler effect for distinguishing the non-stationary target from stationary targets. So moving target indication radar क्यों use किया जाता है? नॉन स्टेशनरी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए, मींस जो टारगेट मूव करते हैं, और ये हेल्प करता है। कैसे ये हेल्प करता है मूविंग टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए? ना यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इसे हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा एक फिक्स टारगेट है, कौन एक मूवेबल टारगेट है। देन कंटिन्यूस वेव रडार। Continuous wave radar divided into two types. First one is unmodulated continuous wave radar. So the radar which operates with continuous signal for detecting non-stationary targets is called unmodulated continuous wave radar, or simply CW radar. It is also called CW डॉपलर रडार। ठीक है, ये तुम्हारा अनमॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार भी यूज़ होता है
फॉर डिटेक्टिंग नॉन स्टेशनरी टारगेट्स। और यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे CW डॉपलर रडार भी बोला जाता है। बट दिस रडार रिक्वायर्स टू एंटीनास, वन एंटीना फॉर ट्रांसमिशन, अदर वन फॉर रिसेप्शन। सो वहाँ पर इन पल्स रडार सिंगल एंटीना यूज़ होता था फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, बट इन कंटिन्यूस अनमॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार दो एंटीना यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड वन इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार। इफ CW डॉपलर रडार यूजेस द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, देन दैट रडार इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार। Radar range equation. So we can say that the range of the radar is said to be maximum range when the received echo signal is having the power equal to that of minimum detectable signal. So अभी हम बोल सकते हैं maximum range, मतलब radar का range maximum कब है, जब जो पावर वो रिसीव करता है वो इक्वल होगा विद द मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल ऑफ द रडार। ठीक है, जो पावर वो रिसीव करता है वो किसके साथ इक्वल होगा, जो मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एक रडार हैंडल कर सकता है उसके साथ इक्वल होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि रडार का रेंज मैक्सिमम है। इफ द इको सिग्नल इज हैविंग द पावर less than the power of the minimum detectable signal, then radar cannot detect the target since it is beyond the maximum limit of the radar's range. Means जो echo क्या होगा, echo का power जब less than the power of minimum detectable signal होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि रडार उस टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज से बाहर है। ठीक है, सो एक रडार का मैक्सिमम रेंज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे पावर ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। ठीक है, हम लोग फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड सिग्नल का पावर कितना है, देन उसे कंपेयर करेंगे विद द मिनिमम डिटेक्टेबल पावर। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग अज्यूम करेंगे एक आइसोट्रॉपिक एंटीना। सो फॉर एन आइसोट्रॉपिक एंटीना विथ ट्रांसमिटेड पावर PT, द पावर डेंसिटी एट द टारगेट at a distance r, so power density एक target के पास कितना होगा जब वो distance r distance में radar से होगा। ठीक है, तो उसका power density होगा PDI equal to PT by 4πr², PT is the transmitted power, 4πr² is the cross sectional area of cross section. Then antenna used in radar are directional rather than isotropic, so it has a power gain G and hence power density at the target is, so in radar हम लोग generally use करते हैं directional antenna, isotropic नहीं use करते हैं, so power density टारगेट के पास क्या होगा जब हम लोग डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करेंगे, थोड़ा डिफरेंट होगा आइसोट्रॉपिक एंटीना से, क्योंकि जब हम डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करेंगे तब पावर गेन होगा जी। सो जो इक्वेशन
हम लोग आइसोट्रॉपिक एंटीना में निकाले थे उसके साथ सिर्फ हम लोग एक जी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन होगा पी टी जी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, सो द पावर इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट डिपेंड्स ऑन इट्स रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ दिस एरिया इज एस, देन द पावर इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट इज गिवन बाय, मतलब जब हम लोग पावर ट्रांसमिट करेंगे तो जो टारगेट होगा उसे इंटरसेप्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, बैक करेगा। सो जो पावर इंटरसेप्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टारगेट, ठीक है। सो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तब क्या होगा, द पावर इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट इज गिवन बाय, जो पहले वाला इक्वेशन था ये वाला, उसके साथ हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे एस बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो हमारा इक्वेशन मिला था हमको पी टी जी बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो एस इज द एरिया, ठीक है। देन जब टारगेट पावर को इंटरसेप्ट किया और रिफ्लेक्ट किया तो वो आके कौन रिसीव करेगा, रडार एंटीना रिसीव करेगा। तो रडार एंटीना जो रिसीव करेगा पावर, वो कितना पावर रिसीव करेगा वो डिपेंड करेगा उसका इफेक्टिव एपर्चर के ऊपर, जो कि डिनोट हुआ है आज ए ई, ठीक है। तो हम ए ई एपर्चर को डिनोट किया गया है। सो द रिसीव्ड पावर, तब तुम्हारा पावर कितना रिसीव हुआ उसका इक्वेशन होगा पी आर इक्वल टू पी डी ई इंटू ए, मतलब जो एवव इक्वेशन है उसके साथ सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा। देन उसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगा वो स्टैंडर्ड रडार रेंज इक्वेशन है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मैक्सिमम रडार रेंज निकालना है, तो हम लोग रडार रेंज जो आर लिखा गया था उसके प्लेस पर आर मैक्स कर देंगे, और रिसीव्ड पावर जो था उसके पास मिनिमम रिसीव्ड पावर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है रडार रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब जो पावर हम लोग रिसीव करते हैं वो मिनिमम डिटेक्टेबल पावर होगा, तब भी तुम्हारा रडार रेंज मैक्सिमम होता है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं आर का नोटेशन और पी आर का नोटेशन, ठीक है, ये वाला और ये वाला सारा और सेम है। देन अगर हमारे पास ये गेन जी जो है, जी का फॉर्मूला, जी का डाटा नहीं हुआ जब हम लोग को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है, रिलेशंस बिटवीन द गेन एंड द इफेक्टिव एपरेचर, तो उसका फॉर्मूला है जी इक्वल टू 4 पाई ए ई बाई लैम्डा स्क्वायर। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टैंडर्ड रडार रेंज इक्वेशन में, ये वाला, ठीक है। उससे सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा, आर मैक्स इक्वल टू पी टी जी एस ए ई स्क्वायर बाय 4 पाई, यहाँ पर जी गलती से लिख दिया गया है, एक्चुअली इक्वेशन होगा, हम लोग जी का वैल्यू जब पुट करते हैं यहाँ से जी चला जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन होगा पी टी देन एस ए ई एस ए ई स्क्वेयर बाय 4 पाई लैम्डा स्क्वेयर पी आर मीन बाय 1/4, जब हम लोग जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैसे ही हम लोग रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एपरेचर एंड गेन भी निकाल सकते हैं, जो कि ए ई इक्वल टू जी लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई है, देन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो फाइनल इक्वेशन हमें ये मिलेगा।
ओके सो ये तीन इक्वेशन जब हम लोग गेन सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन हम लोग एपरेचर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड रडार रेंज इक्वेशन हुआ, इन तीनों को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द प्रॉब्लम वन, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. सो यहाँ पर पीटी है 250 किलोवाट, देन गेन दिया गया है, देन एपरेचर दिया गया है, एपरेचर का वैल्यू, देन एरिया दिया गया है जो तुम्हारा रडार क्रॉस सेक्शन है, देन मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल दिया गया है, पावर ऑफ मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल. सो यहाँ पर हम लोग के पास जी का वैल्यू भी है, ए का वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्ट जो रडार रेंज इक्वेशन, स्टैंडर्ड रडार रेंज इक्वेशन है, इसे यूज़ कर पाएंगे. सो आर मैक्स इक्वल टू पी टी जी एस ए ई बाय 4 pi होल स्क्वायर पी आर मीन होल टू द पावर 1/4, इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. देन प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम टू है कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, पावर ट्रांसमिटेड है, एपरेचर है, क्रॉस सेक्शन रडार क्रॉस सेक्शन है, और मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर जी का वैल्यू नहीं है. तो जब हमारे पास जी का वैल्यू नहीं होगा तो हम जी का फॉर्मूला पुट करके सब्स्टिट्यूट करके एक नया इक्वेशन बनाए थे. क्या था वो? वो है आर मैक्स इक्वल टू पी टी एस ए ई स्क्वेयर बाय 4 pi लैम्डा स्क्वेयर पी आर मीन टू द पावर 1/4, ये है. तो यहाँ पर सबका वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ लैम्डा का नहीं है. तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ. तो एफ का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है. सो सी है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. उसे पुट करने के बाद हम लोग को लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. देन सारा डाटा आर मैक्स का इक्वेशन में डालने के बाद हमको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा. सो इससे ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक यू.